एक्सरसाइज 12.3 थ्री को हम कैरी ऑन करेंगे एक्सरसाइज ट्वेल्व थ्री का सर्क्यूलर टेबल कवर ऑफ रेडियस सेंटीमीटर। ये आप देख रहे हो ये सर्क्यूलर टेबल कवर है रेडियस इसका थर्टी टू सेंटीमीटर मीन्स ओ ए इज इक्वल टू थर्टी टू सेंटीमीटर ए डिजाइन इज फॉर्मड लिविंग एन इक्विल इन द मिडल एज शोन इन द फिगर मीन्स की एक डिजाइन बनाया जा रहा ऐसे डिजाएन है ऐसे डिजाइन है डिजाइन ये इधर से इधर से डिजाइन है और इक्विटेटरल ट्रेंगल बीच में है मीन ए बी सी जो है वो इक्विटर ट्रैंगल है हमें इस डिजाइन का एरिया निकालना है मीन डिजाइन यहां से है यहां से है अगर आप गौर करोगे फिगर पर अगर हमें खाली डिजाइन का एरिया निकालना है देखो डिजाइन आता है सर्कल में मीनस सर्कल का एरिया हमें निकालना है उसके लिए मीन एरिया ऑफ सर्कल हमें निकालना है माइनस हमें करना है उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्योंकि ट्राइंगल एरिया को माइनस करके हमें क्या निकलेगा एरिया ऑफ सर्कल मीन्स सब फिगर का एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स माइनस ये तो उधर से बचेगा खाली डिजाइन तो हमें ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी बट उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ चीजें निकालने की जरूरत है देखो पहले अगर मैं लिखूं रेडियस मैं लिखूं रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल मीनस आर हम रखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इट इज इक्वल टू थर्टी टू सेंटीमीटर तो ये थर्टी टू सेंटीमीटर के बराबर है रेडियस ऑफ सर्कल इतना तो आपको पता है हम करेंगे ड्रा ए डी जो है लेट ए डी बी मीडियन ऑफ ंगल ए बी सी हमने क्या किया हमने रखा एडी जो है वो मीडियन है ट्राइंगल ए बी सी की मीडियन मीन्स विच द अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट ठीक है तो अगर ये मीडियन है तो हम लिख सकते हैं नाउ ए मीन्स ये इज टू ओ डी इज इक्वल टू टू इज टू वन टू इज टू वन मैथमेटिक्स में मेरे बच्चों ए ओ इज टू ओ डी इज इक्वल टू टू इज टू वन ये कहां से आया इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं जो ये ओ है ओ को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं सेंट्रॉइड इन द सेंस कि अगर मैं इधर से मीडियम ड्रा करूं तो वो भी इधर से ज्वाइन होगा अगर इधर से मीडियम ड्रा करूं तो वो भी इधर से ज्वाइन होगा सेंट्रॉइड बोलते हैं हम सेंट्रॉइड इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट सेंट्राइड बोलते हैं हम सेंट्रल पॉइंट को किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंट्रल पॉइंट को सेंट्राइड बोलते हैं और इसको फिर से हम डिफाइन अगर करेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में तो इट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियम इज नोन एज सेंट्रॉइड जहां पर तीनों मीडियन मिलती है उसको हम सेंट्राइड बोलते हैं बट सेंट्राइड की एक प्रॉपर्टी होती है सेंट्राइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द मीडियन इन द रेशू ऑफ मीनज सेंट्राइड जो होती है ट्रेंगल की ये मीडियन सेंट्राइड जो होता है ये मीडियन ऑफ द ट्रेंगल को डिवाइड करता है इन द रेशू ऑफ टू वन अगर ओ सेंट्राइड है इट मीनस दैट ओ ने इस मीडियन को ए ओ को डिवाइड किया ए डी को डिवाइड किया इन द रेशू ऑफ

Divided बाई डी ओ इज इक्वल टू टू by बाई वन इसी को मैंने आगे लिखा एड बाई डी ओ इज इक्वल टू इज टू वन तो विच मीनस दैट ओ ए जो है ए ये तो रेडियस ऑफ सर्कल है ये यहां से रेडियस ऑफ सर्कल है बट रेडियस ऑफ सर्कल थर्टी टू है तो विच मीनस ए ओ के बदले में थर्टी टू डिवाइडेड बाई ओ डी इज इक्वल टू टू इज टू वन फिर से इसी को मैंने ऐसे लिखा तो विच मीनज दैट ओ डी अगर मैं लिखूं इज इक्वल टू ये निकलेगा बराबर 32 इस साइड है 32 इस साइड है इस टू को इस साइड शिफ्ट करके ये डिवाइड हो जाएगा विच मीन्स दैट टू वन आर टू सिक्सटीन आर विच मीन्स दैट ओ डी हमारा जो है दैट इज इक्वल टू सिक्सटीन तो ओ डी सिक्सटीन है ओ ए कितना है ओ ए थर्टी टू है विच मीन्स दैट अगर हमारा ए डी निकले ए डी किसके बराबर होगा फिर डी होगा बराबर यहां से यहां तक मीन थर्टी टू प्लस सिक्सटीन यानी कि ओ ए प्लस ओडी ए डी किसके बराबर होगा एक तो इसके बराबर प्लस इसके बराबर वही थर्टी टू प्लस सिक्सटीन दू फोर्टी एट सेंटीमीटर मीन हमारा एडी निकला ठीक अगर मैं अब करूं नाउ इन नाउ इन राइट ट्राइंगल कौन सा वाला ए डी बी ए डी बी ठीक ए बी स्क्र बाई पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्र प्लस ए डी स्क्र प्लस ए डी स्क्र विच मीन्स दैट ए बी स्क्र ए बी स्क्र ही है इज इक्वल टू बी डी स्क्र देखो बी डी स्क्र का मतलब क्या है बी डी का मतलब है बी डी का मतलब है बी सी डिवाइडेड बाई टू बी सी डिवाइडेड बाई क्योंकि बी डी इज इक्वल टू डी सी एडी जो मीडियन है तो यह वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है तो बी डी का मतलब है, है? इधर साइड में रखता हूं बी डी का मतलब है बी सी तो के बदले में ए बी भी लिख सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं इसके बदले में ए बी डिवाइडेड बाई टू भी किसके बदले में बी डी के बदले में तो मैं लिखूंगा ए बी डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर का क्योंकि इस साइड हमारा ए बी है तो इस साइड हमारा ए बी रखेंगे हम फिर उसके बाद प्लस एडी एडी किसके बराबर है वो है फोर्टी एट स्क्वेर ठीक अगर आगे कंटिन्यू करें ए बी स्क्वेयर तो ए बी स्क्वायर ही है इसको इस साइड शिफ्ट किया माइनस ए बी स्क्र बनेगा डिवाइडेड बाय नीचे से बनेगा टू टू आर फोर जब शिफ्ट किया इज इक्वल टू फोर्टी एट मेरे बच्चों किसके बराबर होता है फिलहाल हम रखेंगे 48 को स्क्वायर 48 ही ठीक है कि नहीं है मीन हम रखेंगे फोर्टी एट स्क्र ही रखेंगे ऐसे ही ठीक तो विच मीनस दैट अगर हम इसम्प इस स्टेप इस को सिंप्लीफाई करें आगे फोर इन टू ए बी स्क्र मीनस फोर ए बी स्क्र ठीक माइनस ए ए बी स्क्र डिवाइड बाई फोर इज इक्वल टू फोर्टी एट स्क्टी एट स्क्स दैट फोर ए बी स्क्र माइनस ए बी स्क्र मीन थ्री ए बी स्क्र डिवाइड बाई फोर इज इक्वल टू फोर्टी एट स्क्र फिलहाल हमारा ठीक है तो विच मीन्स दैट अगर हम कंटिन्यू करें ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ठीक याद रखना सबको स्क्यर चढ़ाना है हमें मीन्स देखो कैसे करें फोर्टी सॉरी ए बी इजल्ड ए बी इजोल्ड मीन हमने हर किसी टर्म को इधर रूट चढ़ा लिया देखो अगर इधर मैंने इसको रूट चढ़ा लिया इसका स्क्वायर कैंसिल होगा इधर इसको रूट चढ़ा लिया तो ये टू बनेगा इधर इसको रूट चढ़ा लिया तो इसका स्क्वायर कैंसिल होगा इधर इसको रूट चढ़ा लिया तो खाली इसी को रहेगा विच मीन दैट ए बी इज इकोल्ड ठीक है इधर से फोर्टी एट उसका रूट चढ़ा लिया तो स्क्वायर कैंसिल हो गया उसका ठीक मल्टीप्लाइड भाई देखो इसका रूट चढ़ा लिया तो ये बनेगा अब टू क्योंकि इस साइड आएगा साइड ये मीनस कि ए बी इज इक्वल टू थ्री बाई फोर को इस साइड शिफ्ट होना है तो ये फोर टू बनेगा क्योंकि इसका रूट चढ़ा लिया है डिवाइडेड बाई नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ थ्री ठीक है कि नहीं है क्योंकि इसका भी रूट चढ़ा लिया है बट थ्री बाई फोर इस साइड आएगा तो फोर बाई थ्री बनेगा बट फोर का अपना रूट टू तो इसका अपना रूट थ्री ठीक तो विच मीन दैट ए बी इज इक्वल टू फोर्टी एट इंटू टू कितना होता है नाइनटी सिक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री ठीक हमारा ये साइड ऑफ ट्रेंगल फिलहाल निकला तो जब हमारा साइड निकला ये तो एरिया ऑफ इक्विटर हमें निकालना है तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रैंगल ए बी सी दैटर रूट थ्री डिवाइडेड बाई फोर साइड स्क्वायर साइड इसका नाइनटी सिक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री ये स्क्वायर होगा ठीक है कि नहीं है फिलहाल एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्विलेटरल ट्रैंगल ठीक अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई फोर साइड स्क्वायर तो इधर मैं इसको कंटिन्यू करूं देखो 96 सिक्स मल्टीप्लाईड बाई नाइनटी वो होता है 9216 ठीक फिर उसको मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री के साथ तो अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई नीचे देखो 96 का स्क्वायर था 96 सिक्स मल्टीप्लाइड बाई नाइनटी कर लिया तो वो नाइन बना अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री नीचे तो इसका भी स्क्वायर है ना और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा फिर उसको मल्टीप्लाई होगा फोर के साथ फोर थ्री या ठीक है कि नहीं है ठीक है फिलहाल फिर अगर हम ट्वेल्व और इसको सिंप्लीफाई करें तो इधर आएगा ट्वेल्व सेवन सिक्स और एट तो जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला ये सिक्स हंड्रेड सॉरी सेवन हंड्रेड रूट ऑफ थ्री ये निकला आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला hmm. अभी हमको क्या निकालना है हमको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल दैट्स इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर पाई का मतलब ट्वेंटी टू बाई मेरे बच्चों आर स्क्र है थर्टी टू इंटू थर्टी टू ठीक तो दैट विल बी इक्वल टू वो होगा टू टू फाइव टू एट डिवाइडेड बाई सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारा जो एरिया ऑफ डिजाइन था जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था एरिया ऑफ डिजाइन वो किसके बराबर निकलेगा वो निकलेगा फुल सर्कल के एरिया फुल सर्कल मींस एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल माइनस किसके निकलेगा माइनस हुआ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ सर्कल कितना हुआ वो हुआ टू टू फाइव टू एट डिवाइडेड बाय सेवन माइनस करोगे एरिया ऑफ इक्विलेट्रल ट्रायंगल वो है सेवन सिक्स एट अंडर रूट ऑफ थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकला आपका एरिया ऑफ डिजाइन ठीक है होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डू मी इन द कॉमेट सेक्शन ठीक लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन है ए बी सी स्क्वायर ये स्क्वायर है हमारा मैंने फिगर बना के रखी है ऑफ साइड फोर्टीन सेंटीमीटर मीन इसका ये साइड जो है फोर्टीन सेंटीमीटर ये बी फोर्टीन ये फोर्टीन ये फोर्टीन ठीक ये ए जो है ये इस सर्कल का सेंटर है बी इस सर्कल का सेंटर डी इस सर्कल का सेंटर सी इस सर्कल का सेंटर ठीक है सच दैट ई सर्कल टच इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टू रिमेनिंग सर्कल ऑफ द ये मीन टच करते इनको ऐसे 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 ठीक है कि नहीं है हमें एरिया निकालना है इस शेडेड पोर्शन का एरिया हमें निकालना है ये वाला जो शेडेड पोर्शन है देखो मेरे बच्चों अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा ये स्क्वायर है तो एंगल नाइनटी डिग्री होगा ये और ये भी 90, ये 90, ये 90. मीन्स हमें असल में निकालना है स्क्वायर का एरिया बट स्क्वायर के एरिया को हमें ये वाला हिस्सा माइनस करना है 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 उधर से निकलेगा शेडेड पोर्शन बट आप देख सकते हो देखो अगर फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक ये तो रेडियस इस सर्कल का हुआ बट रेडियस ऑफ सर्कल कितना है रेडियस ऑफ सर्कल कितना है साइड ऑफ स्क्वायर तो 14 है इधर से इधर तक तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हुआ तो यहां से यहां तक 14 तो ये वाला इधर इसका रेडियस सेवन निकलेगा इसका रेडियस सेवन मीन सेवन प्लस सेवन फोर्टीन हुआ तो इस सर्कल का भी रेडियस फिर कितना होगा 7, इस सर्कल का भी सेवन सर्कल का रेडियस सेवन सेंटीमीटर है और एंगल ये जो है ये नाइनटी डिग्री है तो हम लिख सकते हैं देखो ये एक सेक्टर ये एक सेक्टर ये एक सेक्टर और ये एक सेक्टर हम लिख सकते हैं इसमें एरिया ऑफ एरिया ऑफ ईच ऑफ फोर सेक्टर्स फोर सेक्टर्स इज इक्वल वो इक्वल होगा ठीक एज द एंगल ऑफ सेक्टर एंगल ऑफ सेक्टर इज नाइंटी डिग्री एंड रेडियस इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर हमने क्या लिखा हमने लिखा एरिया हर किसी सेक्टर का इक्वल होगा क्योंकि हर किसी का एंगल नाइनटी डिग्री है और हर किसी का रेडियस सेवन सेंटीमीटर है तो ए, 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 एरिया तो सेम निकलेगा ही अब अगर हम करें एरिया ऑफ ईच सेक्टर हर किसी सेक्टर का एरिया कितना निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू

टू टू आर टू अलेवन आर इधर बचा अलेवन इंटू सेवन सेवनटी सेवन डिवाइडेड बाई नीचे बचा खाली टू सेंटीमीटर स्क्वायर मीनस हर किसी सेक्टर का एरिया हमें निकला सेवेंटी सेवन डिवाइडेड बाई टू सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम करें एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर निकलेगा इज इक्वल टू साइड स्क्वायर तो विच एम्पलाइज दैट साइड है फोर्टीन स्क्वायर का तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 क्योंकि यहां से यहां तक 14 है 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमें करना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर मीन स्क्वायर का एरिया टोटल माइनस फोर इंटू एरिया ऑफ ई सेक्टर क्योंकि चार सेक्टर टोटल इसमें है तो इसीलिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर करेंगे ठीक तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा है 196 नाइनटी सिक्स माइनस फोर इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर दैट इक्वल टू सेवेंटी सेवन डिवाइडेड बाई टू अगर इसको करोगे टू वन आर टू टू आर फोर विच मीनस दैट ये निकलेगा वन नाइनटी सिक्स माइनस सेवन इंटू टू वो वन फिफ्टी फोर हुआ तो आंसर कितना हो 196 नाइनटी सिक्स माइनस वन फिफ्टी फोर दैट्स इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरियर एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन कितना निकला शेडिड पोर्शन निकला 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर एट है थोड़ा सा ये टीडीएस है बट आपको समझने की जरूरत है <coughs> ये जो गिवन फिगर है ये ट्रैक इधर से मीन्स का रास्ता है बीच में से ठीक है और इसके इधर साइड और इधर साइड बोथ सेमी सर्क्युलर है द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पार्लर सेगमेंट्स सिक्सटी मीन्स इन दोनों के डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ये यह सिक्सटी है ठीक है और उसके बाद एंड दे आर ईच वन हंड्रेड सिक्सटी मीटर सिक्स मीटर लॉन्ग मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है मीन्स यहाँ से यहाँ तक वो वन हंड्रेड सिक्स मीटर्स है ठीक फिर उसके बाद इफ द ट्रैक इज टेन मीटर वाइड अगर यहाँ से यहां तक डिस्टेंस टेन मीटर है मीन्स यहाँ से यहां तक भी टेन होगी ये तो सारा कुछ होगा फाइन द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक मीन्स हमें ये डिस्टेंस जो ट्रैक के अंदर है ये हमें निकालनी है ये कितनी है इन इट्स इनर एज मीन्स कि अंदर कितनी है ये ट्रैक के अंदर ये डिस्टेंस ये हमें सारा निकालना है उसके बाद एरिया ऑफ द ट्रैक फिर हमें इसका एरिया निकालना है जो अंदर है ठीक पहला वाला क्वेश्चन अगर हम करेंगे हमें पहले वाले क्वेश्चन में करना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अराउंड द ट्रैक देखो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अगर हमें निकालनी होगी दैट विल बी इक्वल टू समझना क्वेश्चन को अच्छे से एक तो पहले तो डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक यहां से यहां तक होगी ठीक है इनर एज मीनस यहां से यहां तक मीनस ए बी होगी फिर उसको प्लस करना है ये आर्क मीनस ये जो सेमी सर्क्यूलर पोर्शन है बी ई सी ठीक है कि नहीं है क्योंकि यहां तक तो बी है बट यहां से तो सेमी तो से हम करेंगे एरिया आर्क बी सी मीनस आर्क आप लिखो डायरेक्टली बीई सी फिर प्लस इधर से इधर तक मीनस डी सी तो डी सी फिर उसके बाद प्लस हमें करना है ये वाला ए एफ एन डी ए एफ एन डी मीनस आर्क ए एफ डी ठीक तो अगर हम उसको निकाले तो वो कितना बराबर निकलेगा देखो ए बी जो हमारा है वो है यहां से यहां तक वो वन जीरो सिक्स है वन जीरो सिक्स मीन यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो वन जीरो सिक्स है मीन वन जीरो सिक्स यहां तक प्लस <coughs> फिर उसके बाद आर्क बी सी तो वो निकलेगा वन डिवाइडेड बाय टू इंटू टू पाई आर टू तो टू ही इंटू पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन और आर इसका निकलेगा मेरे बच्चों देखो यहां से यहां तक सिक्सटी तो इसका आर यहां से यहां तक वो निकलेगा थर्टी ठीक फिर फिर से प्लस ये डी सी डी सी कितना है फिर से वन तो वन फिर फिर से प्लस तो प्लस फिर उसके बाद आर्क ए एफ डी सॉरी आरक आर्क ए एफ डी तो वो फिर से होगा वन बाई टू वन बाई टू इंटू टू पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन और आर इसका भी निकलेगा थर्टी ठीक क्योंकि ये भी इधर से भी थर्टी होगा ठीक तो आगे चल के हम हमें क्या निकलेगा देखो पहले तो वन जीरो सिक्स ये वाला वन जीरो सिक्स और ये वाला वन जीरो सिक्स वो निकलेगा टू हंड्रेड ट्वेल्व निकला ये दो ठीक है फिर उसके बाद प्लस देखो इधर से जो ये वाला पोर्शन है ना ये वाला पोर्शन यहां तक इसको समझना और ये वाला पोर्शन यहां तक ये इसका टू कैंसल हुआ इसका टू भी कैंसल हुआ ठीक इट मीन्स दैट ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू थर्टी ये हमारा एक बार है ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू थर्टी हमारा दो बार है ठीक तो दो बार है हमारा यही टर्म मीनस दो बार है हमारी यही टर्म कौन सी देखो ट्वेंटी इंटू थर्टी ट्वेंटी यही दो बार थी ठीक है कि नहीं है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करोगे मीनस के इसको करना है टू वन टू तो टू वन टू ही है प्लस करना है टू इंटू ट्वेंटी टू इंटू थर्टी अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा वन थ्री टू जीरो मल्टीप्लीकेशन करके देखो किसको इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो हमें निकलेगा four four, four four, अगर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर प्लस उसका वन थ्री टू जीरो फिर डिवाइडेड बाई सेवन डिवाइडेड बाई सेवन तो इधर से इन दोनों का प्लस अगर हम करेंगे मीन्स वन फोर एट फोर प्लस वन थ्री टू जीरो दैट विल बी इक्वल टू टू एट जीरो फोर डिवाइडेड बाई सेवन मीटर्स मीन्स ये निकलेगा हमारा लेंथ ऑफ ट्रैक डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक इन इट्स इनरेज मीन जो हमें ये करना था कि ये कितनी डिस्टेंस है ये हमने निकाला अभी दूसरा पार्ट इसका है एरिया ऑफ ट्रैक तो एरिया ऑफ ट्रैक अगर हम देखेंगे वो कितना निकलेगा एरिया ऑफ ट्रैक देखो वो किसके बराबर निकलेगा एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू समझना क्वेश्चन को एरिया ऑफ ट्रैक पहले ही हम बोलेंगे एरिया ऑफ देखो यहां से ये 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 और ये मींस हम करेंगे एरिया ऑफ एरिया ऑफ सी एच आई और जी समझ आया कौन सा सी एच आई और जे ये एरिया तो ये एरिया इसका माइनस करना है ये वाला क्योंकि देखो इस पूरे एरिया में अगर ये वाला एरिया निकला तो वो ट्रैक का एरिया निकलेगा तो माइनस करना है इसको एरिया ऑफ कौन सा वाला ए बी सी और डी ये एक ठीक उसके बाद आगे चले एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा सेमी सर्कल देखो एच के आई मीन एच के आई माइनस उसको करना है अंदर वाला मीन एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा वाला बी सी बी सी ठीक ये अलग से फिर उसके बाद प्लस ये वाला एरिया ऑफ कौन सा सी एल जे एरिया ऑफ सेमी सर्कल सी एल जे उसको माइनस करना है कौन सा ए एफ एन डी एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए एफ D ए एफ एंड डी फिलहाल हम यहां पे चलेंगे ठीक फिलहाल आपको इतना समझ आ गया होगा तो अगर मैं करूं मेरे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एच आई जे सी एच आई जे डायरेक्टली तो लेंगे वन जीरो निकालना है मसला ब्रेडथ हमारा देखो यहां से यहां तक सिक्सटी यहां से दस मीनस प्लस दस सेवनटी यहां से दस सेवेंटी प्लस दस एटी मीनस एटी फिर उसके बाद माइनस करना इसको अगर इसकी लेंग्थ देखेंगे तो वो भी 106 है तो 106 अंदर मीनस हम ए बी सी डी की बात कर रहे हैं यहां से यहां तक फिर से ठीक ये अलग फिर उसके बाद प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एच के आई वो होगा सेमी सर्कल का वन बाई टू तो वन बाई टू इंटू पाई आर स्कर वन बाई टू वन बाई टू इंटू पाई पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर इसका इसका आर स्क्वायर कितना होगा देखो मेरे बच्चों यहां से यहां तक जो रेडियस है इसका वो थर्टी है बट यहां से यहां तक टेन और ऐड होगा तो फोर्टी बनेगा मीनस वन बाई टू पाई आर स्क्वायर मीनस फोर्टी स्क्वायर फिलहाल ये ठीक फिर उसके बाद उसको करना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी सी ये वाला इसको माइनस करना है तो बी का एरिया कितना निकलेगा वो निकलेगा वन बाई टू मीन वन

उसका भी वन बाई टू इंटू पाई ट्वेंटी मैं कंटिन्यू करूं देखो मेरे बच्चों इधर मैं आपको समझाता अगर मेरे पास c, c h i और है है देखो इसका जो ये, है, ये टोटल यहां से यहां तक 60, ये 10, 70, ये 10, 80 मीन ये तो रेक्टेंगुलर पोर्शन बनता है इसलिए ऑफ करोगे सबका आपको खुद आ जाएगा ठीक है फिर उसके बाद अगर मैं देखूं देखो 106 इधर एटी वन जीरो सिक्स इंटू सिक्सटी मीन्स दोनों में वन जीरो सिक्स कॉमन ठीक है अंदर क्या बचा हमारा इन दोनों में से एट्टी माइनस सिक्सटी इन दोनों में से फिलहाल ठीक है फिर उसके बाद मेरे बच्चों प्लस देखो इधर से क्या करेंगे हम वन डिवाइडेड बाई टू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू फोर्टी एक बार वन डिवाइडेड बाई टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू फोर्टी दो बार मीन्स लेकिन ये आधा ये आधा आधा और आधा कितना होता है आधा और आधा समझने की जरूरत है आधा और आधा एक होता है ठीक है मीनस वन बाई टू प्लस इक्वल टू वन मीन्स वन बाई टू मीन्स इसको हम आधा बोलेंगे ये आधा है इसको हम आधा बोलेंगे तो टोटल कितना बनेगा एक एक लिखने की जरूरत नहीं है तो एक तो एक ही है वो हुआ ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू फोर्टी स्क्वायर इंटू फोर्टी स्क्वायर ठीक है फिर उसके बाद माइनस फिर से इधर से वन बाई टू ट्वेंटी टू बाई से इंटू थर्टी स्क्र इधर भी इधर भी मीन्स ये भी आधा ये भी आधा तो वो भी एक बनेगा ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू थर्टी स्क्यर इंटू थर्टी स्क्यर ठीक है फिलहाल तो इधर इद, इद, इधर तक ये फिर उसके बाद अगर हम आगे चले देखो अगर हम इधर अब कंटिन्यू करें तो मेरे बच्चों हम कर सकते वन जीरो सिक्स तो वन जीरो सिक्स ही है इंटू

जीरो फिर आगे करें प्लस ट्वेंटी टू बाई सेवन तो ट्वेंटी टू बाई सेवन ही है इसको अगर हम करें तो ए स्क्वाइनस बी स्क्तर वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू एस ठीक आगे अगर हम करें तो वो टू वन टू जीरो फिलहाल प्लस ट्वेंटी टू बाई सेवन फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय फोर्टी प्लस थर्टी सेवनटी होता है मल्टीप्लाइड बाय फोर्टी माइनस थर्टी टेन होता है थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको इधर से ये जीरो तो ये टू टू वन जीरो प्लस ट्वेंटी टू इंटू इधर से टेन टेन 10, आर हंड्रेड तो हंड्रेड तो अगर थोड़ा सा और कंटिन्यू करोगे तो ये टू वन टू जीरो प्लस ट्वेंटी टू इंटू हंड्रेड वो होता है ट्वेंटी टू हंड्रेड तो इसको दोनों को ऐड करोगे तो निकलेगा क्या आपका आपका निकलेगा फोर थ्री टू जीरो मीटर स्क्वायर मीनि जो आपका ट्रैक का एरिया था वो कितना है फोर थ्री टू ज़ीरो मीटर स्क्वायर आप देख सकते हो ये फोर थ्री टू जीरो मीटर स्क्वायर बट इधर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आधा प्लस आधा एक होता है वही मैंने एक लिखा बराबर अगर इधर एक भी लिखते ना तो वन मल्टीप्लाइड बाई वो फिर से होता है वन इन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ही वो लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है बस आपको फिगर को गौर से देखना है बाकी आप क्वेश्चन खुद ही करोगे इसमें कोई डाउट नहीं है बट अगर इनकेस आपको कोई डाउट हुआ या कोई कन्फ्यूजन हुआ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा थैंक यू एंड लव यू ऑल